रायगढ़ जिले में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हो रहे हादसों से लोग बाग बेमौत मारे जा रहे हैं। आज सुबह हादसे की एक और खबर जूट मिल चौकी क्षेत्र से सामने आई है, जहां गौरव पथ में सड़क के किनारे सोए एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के ऊपर अज्ञात वाहन चढ़ जाने से मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर जूट मिल चौकी पुलिस मौके पर मौजूद है। घटना के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ठंड से बचने के लिए वाहन के नीचे सो गया होगा, और जब सुबह वाहन चालक गाड़ी बढ़ाने से पहले चालक की नज़र नीचे पहिए की ओर नहीं गई होगी और गाड़ी आगे बढ़ा दिया होगा, जिससे व्यक्ति की नीचे दबकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की पतासाजी में जुटी हुई है। हाईवे से सटे गौरव पथ को अघोषित रूप से पार्किंग स्थल बना दिया गया है। गौरव पथ के दोनों ओर ट्रक डंपर खड़ी रहती है, जिससे आए दिन सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। दोनों ओर खड़ी गाड़ियों की वजह से गौरव पथ सक्रिय हो जाती है, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। लेकिन ट्रैफिक विभाग के द्वारा इस जगह पर अघोषित पार्किंग स्थल को हटाने की कोई कवायद नहीं की जा रही है, जिसका नतीजा आज एक व्यक्ति की जान देकर चुकानी पड़ी है। उक्त मामले में जब हमने वार्ड पार्षद से राय जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जिसकी मौत हुई है उसका नाम सोनू बताया जा रहा है, जो पिछले 4 वर्षों से अलग अलग जगहों पर रहकर जीवन यापन करता था, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उन्होंने अवैध रूप से घोषित पार्किंग स्थल के बारे में कहा कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे हमेशा सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है, और आज यह घटना घटित भी हो गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उक्त मामले में उन्होंने अज्ञात वाहन की पतासाजी कर तत्काल एक्शन लेते हुए वाहन मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज करने की अपील की है। पिछले 3-4 सालों से यहाँ विभिन्न स्थानों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे और लोगों से पता चला है कि यह थोड़े से मन बुद्धि है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा, मानदों को देखते हुए यहाँ पे बड़ी गाड़ियों का पार्किंग बना रखे हैं, आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियों को खड़ा करके रखते हैं, अज्ञात वाहन द्वारा उनको ठोक दिया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गया है। मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन को तत्काल इस पर एक्शन ले और जो भी वाहन है और वाहन मालिक के खिलाफ इसमें अपराध दर्ज करें।